हे गाइस, वेलकम टू द कूल गैंग। आपको एक अपडेट देना था पर्सनल लोन के रिगार्डिंग। क्लिक्स कैपिटल एक लोन दिलाया जाती है, थर्ड पार्टी है, ठीक है। उनके सारे टाइप्स होते हैं HDFC, ICICI बैंक, ठीक है। आपको ये मैसेज दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये मैसेज में क्या होता है, आपको कॉल किया जाता है और आपको बोलते हैं कि सर, आपको अगर आपका लोन क्लोज कर दे रहे हो अर्ली प्री क्लोजर, तो आपको इतना डिस्काउंट आएगा, बस इतना पे कर दीजिए और आपको लोन बनने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑफर है। सो एंड सो फेस्टिवल का रीजन बता रहे हैं। पहली बात तो एक चीज है कि कोई भी लोन कंपनी जो भी देती है प्री क्लोजर के लिए कभी भी कॉल नहीं करती है। और यहाँ से क्लिक्स कैपिटल के यहाँ से मेरे को मैसेजेस हर बार आते हैं, मैं ही नहीं बहुत लोग शिकार हुए हैं ये पर्सनल लोन का। ये स्कैम किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको कॉल किया जाता है और सारे डिटेल्स आपके A to Z होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका लोन कितना पे कर रहे हो, कब एक्सपायरी है और आपका लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, हर चीज। मतलब क्या हुआ, क्लिक्स कैपिटल के कोई ना कोई तो इन्वॉल्वमेंट है इस सारे स्कैम में। नहीं नहीं बहुत सारे लोगों को कॉल आया है। अगर कोई भी क्लिक्स कैपिटल के यहाँ से आपको कॉल वगैरह आया तो आप कॉमेंट में डाल दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए। तो एक चीज सजेस्ट कर सकता हूँ कि क्लिक्स कैपिटल से कभी भी लोन मत देना, क्योंकि आपका सारा डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज होता है। कोई ना कोई एम्प्लॉई है जो सारी डिटेल शेयर करता है, मुझे हर महीना कॉल आता है और ये आपके कॉल रिकॉर्डिंग भी आपके लिए मैं भेज रहा हूँ। पहले ये स्कैम कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको कॉल किया जाता है, बोल देते हैं कि प्री क्लोजर अगर आपका आउटस्टैंडिंग लेट्स से 30,000 है तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, 20,000 पे करना है सर आपको, खत्म। तो वो आपको गूगल पे नंबर देंगे या अगर आपको चाहे तो चेक डिपॉजिट यानी ये अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोलेंगे पहली बार, ठीक है। और जब हम बोलेंगे कि फिजिकली हम आके पे करेंगे, आपका ब्रांच बताओ, वो बोलेंगे कि हमारे ब्रांच है ही नहीं, ठीक है। और दिल्ली में सर आपको दूर हो जाएगा, अगर आप दिल्ली से तो आप बोलेंगे कहीं दूसरा स्टेट। तो इस तरह से स्कैम होता है। बहुत लोग क्या होते हैं, चलो डिस्काउंट मिल रहा है ना, पे कर देते हैं और ये स्कैम में फंस जाते हैं। तो ये क्लिक्स कैपिटल कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, सारे जितने भी लोन लिए हैं उनके डिटेल्स जो है कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। तो अगर क्लिक्स कैपिटल से कोई भी देख रहा है तो शेम ऑन यू। जो भी वीडियोस है अभी, जो भी अभी आप कन्वर्सेशन सुनोगे फोन का, वो सारा मेरे और वो जो स्कैमर थे उनका कॉन्फिडेंस देखना, ठीक है ना। किस तरह से, मतलब आपको इतना भी डाउट नहीं आएगा कि वो क्लिक्स कैपिटल से ही है बोल के बात कर रहे हैं। जस्ट आपके रिकॉर्ड के पर्पज के लिए मैं ये रिकॉर्डिंग भी अटैच कर रहा हूँ, छोटी सी है, बहुत सारे पड़े थे, बट मुझे लगा कि हर महीना इतना स्कैम हो रहा है तो बहुत सारे लोग मासूम लोग होंगे कि लोन के वजह से ऑलरेडी परेशानी में है, बट ये स्कैम में और फंस जाएंगे, तो कोई ना कोई एक भी बचेगा तो मेरा मिशन सक्सेसफुल होगा। सो थैंक यू। भी सुनने के बाद में आप ज़रूर कॉमेंट में डाल दीजिए मुझे, और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। रिकॉर्डिंग अभी सुन लीजिए। कहाँ से हो? हेलो। हाँ मैडम बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हो मैडम? मैं गुरुग्राम हरियाणा ब्रांच से बात कर रही हूँ सर। हाँ, क्लिक्स कैपिटल से बात कर रहे हो, ओके बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली मैंने आपको आपका जो लोन चला जिसकी आप मंथली EMI 3186 पे करते हैं उसकी मैंने पोर्ट लो सेटलमेंट के रिगार्डिंग आपको कॉल किया है। बोलिए मैम। हेलो। हाँ मैडम बोलिए, सुन रहा हूँ जी। तो आपको रिक्वायरमेंट है अभी, मतलब लोन दे रहे हो क्या आप टॉप अप? सर फोर क्लोज नहीं, टॉप अप नहीं, आपका जो ये लोन चल रहा है इसको प्री क्लोज के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। ओके मैम, ये स्कैम ऑलरेडी मेरे को कितने की बार कॉल आ चुके हैं ये प्री क्लोजर के लिए, और ये क्लिक्स कैपिटल के लिए तो मैं सीधा कंपनी में कंज्यूमर कोर्ट में डाल रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई एम्प्लॉय है क्लिक्स कैपिटल का जो बंदा सारे एम्प्लॉयज का डाटा लीक कर रहा है ये प्री क्लोजर। सर ऐसा नहीं है, हमारा हम सिलेक्ट कैपिटल के गुरुग्राम हरियाणा ब्रांच से बात कर रहे हैं। आप चाहे तो आप हमारे बैंक एग्जीक्यूटिव से बात करवा सकती हूँ मैं आपकी। आपकी आज ही फाइल आई है हमारे पास, शॉर्टलिस्टेड जो पर मंथ कस्टमर्स के लिए निकालते हैं बैंक, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। फुली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते हैं। नहीं, आप डिस्काउंट भी दोगे ना प्री क्लोजर करवा रहे तो? क्या देंगे सर? कुछ प्री क्लोजर अगर करवाना है तो कितना अमाउंट लगेगा? मेरा आपका जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसमें आपको कुछ परसेंट का छूट मिल जाएगा, वेव्ड ऑफ। वही मैडम जी, करवाना चाहते हैं आप ये? नहीं सर। नहीं मैडम,